हेलो स्टूडेंट्स, राजस्थान स्टेट का मॉपअप राउंड जो कैंसिल हुआ था उसकी रिगार्डिंग न्यू शेड्यूल, न्यू लिस्ट और सब कुछ जो नया फीस डॉक्यूमेंट के लिए नया शेड्यूल सब कुछ जो है रिलीज़ कर दिया गया है। सीट मैट्रिक्स सब कुछ नया होगा, सब कुछ नए तरीके से वहाँ पर रिलीज़ किया गया है। तो एक एक क्रम आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और इस साल हो सकता है, इस बार हो सकता है कि अब जो होगा वो कट ऑफ आपका थोड़ा सा प्रीवियस कट ऑफ से मॉपअप राउंड के कम रहे, क्योंकि सीट पहले काफ़ी ज़्यादा वैकेंट रही थी जिसके पीछे प्रोटेस्ट था। तो मैं आप आपको एक एक कर पूरी डिटेल यहाँ पे बता देता हूँ। तो जो लिस्ट होगी कैंडिडेट की वो 16 अगस्त को रिलीज़ कर दी जाएगी, मतलब आज आपकी लिस्ट वहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी। सीट मैट्रिक्स जो होगा वो भी आज आपका रिलीज़ हो जाएगा। आपको ऑफलाइन काउंसलिंग SMS जयपुर कॉलेज में काउंसलिंग के लिए जो जाना पड़ेगा वो 17 अगस्त को 9 बजे आपको नंबर लिस्ट में जो नंबर होगा स्टूडेंट्स का 1 to 3200, चाहे वो SC ST MBC EWS कोई भी हो, ठीक है, जिनका मॉपअप राउंड 16 में लिस्ट होगा। 18 को उन स्टूडेंट्स को जाना होगा जिनका मॉपअप राउंड में 3200 के बाद जितने भी स्टूडेंट्स वैकेंट रहेंगे उन सभी स्टूडेंट्स को वहाँ पर जाना पड़ेगा। ओके, देन आता है कि NRI कैंडिडेट्स को नॉट रिक्वायर्ड टू पार्टिसिपेट इन द रिवाइज्ड मॉपअप राउंड काउंसलिंग। NRI कैंडिडेट्स को दोबारा काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की कोई भी ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। ज्वाइनिंग ऑफ द कॉलेज आपको 19 अगस्त से लेकर 21 अगस्त के बीच में कॉलेज को ज्वाइन करना पड़ेगा। फिर यहाँ पे आता है कॉलेज लेवल काउंसलिंग, जिसको हम कहते हैं स्टे राउंड काउंसलिंग। स्टे राउंड काउंसलिंग आपकी 25 अगस्त को होगी और ये जो डेट है वो आपकी बढ़ सकती हैं या चेंज हो सकती हैं, वो कॉलेज अथॉरिटी और मेडिकल काउंसलिंग अथॉरिटी ऑफ द राजस्थान के ऊपर डिपेंड करता है। तो कॉलेज लेवल की जो काउंसलिंग, मतलब कॉलेज पर्टिकुलर किसी कॉलेज में सीट वैकेंट है उसकी पूरी मेरिट लिस्ट वहाँ पर रिलीज़ कर दी जाएगी। फिर आपको जिस कॉलेज में एडमिशन लेना है आप उस कॉलेज में जाके वहाँ काउंसलिंग करवाएंगे। कॉलेज लेवल की काउंसलिंग होगी, कॉलेज कट ऑफ मार्क्स जो होगा वहाँ पर डिसाइड करेगा। फर्दर उसके अपडेट के पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा कि इकोलॉजी का जो नया कोर्स है वो हमारी अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर रिलीज़ कर दिया गया है। उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ जाके वो कोर्स का स्टडी कर सकते हैं। पूरा ईयर लॉन्ग कोर्स होगा, पूरा एक साल के बीच में हम धीरे धीरे आपका पूरा इकोलॉजी कम्प्लीट वहाँ पर करवाएंगे। तो मॉपअप राउंड काउंसलिंग ऑफलाइन जैसे कि पहले हुई थी, काउंसलिंग आपकी 11 और 12 अगस्त को वो पूरी काउंसलिंग कर दी गई थी, लेकिन NRI कैंडिडेट्स के लिए वो काउंसलिंग कैंसिल नहीं की गई, ये भी नोटिफिकेशन में यहाँ पर बता दिया गया है। कौन कौन से एलिजिबल हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो है थोड़ा सा चेंज हुआ है। तो एलिजिबल कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी रजिस्टर कर चुका था राउंड 1 और राउंड 2 में और उनको कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई, वो कैंडिडेट एलिजिबल है। सेकंड, जिनको राउंड 2 और राउंड 1 में कॉलेज अलॉट हुआ लेकिन उन्होंने रिपोर्ट नहीं किया, वो भी इसके लिए एलिजिबल हैं। कैंडिडेट जिनको राउंड 1 में सीट मिली, उन्होंने ज्वाइन की लेकिन रिज़ाइन कर दी उस सीट को फ्री एग्जिट से, तो उनको भी वहाँ पे वो एलिजिबल माने जाएंगे। और जो लोग फ्रेशली मॉपअप राउंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो तो एलिजिबल इसके लिए हैं ही। कौन कौन से कैंडिडेट एलिजिबल नहीं है, कैंडिडेट वो जिन्होंने अपनी सीट रिजाइन की थी, सिक्योरिटी फीस उनको वापस नहीं मिली, वो कैंडिडेट्स राउंड 1 और राउंड 2 के एलिजिबल नहीं है। कैंडिडेट जिनको राउंड 1 और राउंड 2 में सीट मिली वो इसके लिए एलिजिबल नहीं है, जिन्होंने ज्वाइन कर ली। सबमिशन ऑफ द डॉक्यूमेंट, जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होंगे आपको मॉपअप राउंड काउंसलिंग के लिए SMS जयपुर में आपको अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे, वो डॉक्यूमेंट्स आपके वहाँ पर ही सबमिट कर लिए जाएंगे। लेकिन आपको बात करें आपको डिमांड ड्राफ्ट, तो आपको डिमांड ड्राफ्ट जो बनाना है वो इन द फेवर ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ SMS जयपुर एज अ टोकन फी फॉर ऑन स्पॉट काउंसलिंग के रूप में आपको बनाना है। जो डिमांड ड्राफ्ट होगा वो आपका 10,000 रुपीज़ का आपका डिमांड ड्राफ्ट इसमें बनवाना है। तो जो पूरा नोटिफिकेशन है वो आपको हमारे फेसबुक पेज पे मिल जाएगा, आप एक बार उसको अच्छे से स्टडी कर अपनी मॉपअप राउंड काउंसलिंग को प्रोसीड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।